नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। 3 जनवरी 2024, वो तारीख जो शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार और 2024 में मोदी जी के हैट्रिक वाले सपने दोनों पर भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे अव्वल राज्य, लेकिन किसान हित की बात हो तो ढाई ढाई महीने लग जाता है बैठक की तारीख फिक्स करने में, और ऐसी बैठक की तारीख फिक्स करने में ढाई महीने लग जाते हैं जिस बैठक में कोई फैसला नहीं होना होता है। हास्यास्पद है, अगर जोक कहें तो ये किसी जोक से कम नहीं है। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान पूरा गन्ना बेल्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर तक, पड़रौना तक ये बेल्ट चला जाता है, इस पूरे गन्ना बेल्ट में किसान प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। और क्या क्या तैयारी है 3 तारीख को, ये 3 तारीख उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए और मोदी के सपने के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और साथ में मैं जोड़ दूं, वो तो लिखते भी हैं लेकिन मैं जोड़ दूं असली वाले, क्योंकि सिर्फ किसानों की बात होती है वहां पर कोई और खेला नहीं है कि जहां पर कई एकड़ की संपत्तियां और पेट्रोल पंप बचाने का खेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और आंदोलनों में बड़े सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, खासकर किसान कामगार, ऐसा जहां भी कोई आंदोलन हो हर जगह उपस्थिति मिलेगी और मुखर उपस्थिति मिलती है प्रबल प्रताप शाही। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं राजेंद्र यादव जी, किसान हित के हितों में लड़ते हुए ही पूरा राजनीतिक जीवन जिनका गुजरा है। इस पैनल के साथ और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, इस पैनल के साथ 3 तारीख की पूरी रणनीति पर चर्चा हम करेंगे और असल में किसानों को आय दोगुना करने वाला सपना कितना फलीभूत हुआ है जमीन पर, आज उसका भी कच्चा चिट्ठा खुलेगा। सबसे पहले हम चौधरी साहब के पास चलेंगे, चौधरी हरपाल सिंह। चौधरी साहब, 400 रुपए शायद क्रॉस कर लिया महाराष्ट्र में, 380 पंजाब, 386 हरियाणा, यूपी वाले जो नंबर वन है उत्पादन में 350 के आसपास अटके हैं। कैसे होगा किसानों भला उत्तर प्रदेश में, क्या रणनीति है चौधरी साहब? बस मैं यही, ये वो प्रदेश है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़कर प्राइम मिनिस्टर बने हैं और जहां 22 तारीख को पूरा भारत क्या कहेगा पता आपको, पूरे भारत में प्रचार होगा, रामराज आ रहा है, रामराज आएगा पूरे भारत में इनका। और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 22 तारीख को जब उद्घाटन होगा सब देश के राम भक्त अपने अपने घरों में दिवाली मनाएं। ये उस प्रदेश के लोगों से कहा जा रहा है दिवाली मनाएं, इनके घर में दीवा जलाने को तेल नहीं है, आज उनसे कह रहे हैं दिवाली मनाएं। मैं आपको आंकड़ा दे दूं 1 मिनट, पिछले साल क्योंकि चीनी का दाम भारत सरकार तय करती है, पूरे भारत में चीनी का एक ही दाम है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, कर्नाटक की हो, आंध्र की हो या यूपी की हो। एक गन्ने का रेट देखिए आप, पंजाब में पिछली बार 380 भाव तय था क्विंटल, हरियाणा में 375-377 के आसपास था और महाराष्ट्र में 400 से ऊपर था, 401 के आसपास था, मेरी बात हुई कर्नाटक में इतने था करीब। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो रामराज की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार ने ढाई महीने तक ये कहा हम आज गन्ना बैठक करेंगे, कल बैठक होगी, परसों बैठक होगी और करता करता ढाई महीने खींच गया। ढाई महीने तक विश्व का पहला रिकॉर्ड तोड़ा, ढाई महीने तक किसान मिलों को गन्ना बिना रेट के देते रहे, ब्लैंक पर्ची देते रहे। ढाई महीने बाद गन्ना मंत्री का बयान आता लक्ष्मण जी का और हमारी मीटिंग हो जा रही है कैबिनेट की, हम बहुत तय करेंगे। क्या तय हुआ? ढाई महीने बाद योगी सरकार तय करती है कि अब हमने तय करा गन्ने का भाव, पिछले साल के रहेगा, इस साल कोई पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, ये तय करने में ढाई महीने लगे, पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। अब अगर ये हमारा बढ़ाते 30 रुपए पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह,
उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछली बार 110 करोड़ का सप्लाई किया, जिसका 3400 करोड़ बैठता है, वो 50 लाख गन्ना उत्पादक किसानों जेब से निकालकर 120 फैक्ट्री जम में डाल दिया गया और कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि रामराज आया, ये रामराज है यूपी के अंदर, चर्चा ही नहीं हुई कोई भी, चर्चा होती नहीं थी कोई इस बात की लेकर। अब इस बार आ जाओ आप, इस बार मिल चल गई 1 जनवरी को, आज हो गई 29 दिसंबर, 3 दिसंबर हो गई आज, चौका 2 महीने हो गए, 2 महीने से मिल चल रही है, कम से कम 50 करोड़ क्विंटल का नाम सप्लाई कर चुके मिलों को अब तक, और अभी तक फिर वही बात हो रही है, आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी, परसों मीटिंग होगी, कैबिनेट बैठेगी, भाव तय करेंगे, और अभी तक ब्लैक पर्ची पर करना जा रहा है, पंजाब में तय हो चुका 391 रुपए, हरियाणा में 387 रुपए, और महाराष्ट्र कर्नाटक में 400 पर है रेट। ये हो रहा खेल उत्तर प्रदेश के अंदर, आप समझ लो बात। अब क्या है, अभी मुख्यमंत्री आए बिलारी में, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की उद्घाटन करने आए योगी आदित्यनाथ जी, पूरे मुरादाबाद में यूपी में कटआउट लगाए गए, जाट कुंभ होने जा रहा है, योगी जी आ रहे हैं जाट कुंभ में, जो हमने कहा कि चरण सिंह जाट कुंभ में आप बात कर रहे हो, उनको आप छोटा कर रहे हो कद को, वो तो किसान नेता है भारत के, फिर कहा किसान कुंभ होने जा रहा है, तो और गांव गांव प्रचार करा गया योगी जी आ रहे हैं और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर तोहफा देंगे किसानों को, यूपी के गन्ने का दाम बढ़ाएंगे 33 रुपए क्विंटल, वो योगी आए और लोग इंतजार करते रहे, एक शब्द भी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा गन्ने को लेकर, और कह दिया एक कमेटी बना दी है, रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे इसको लेकर, और सब किसान लौट के बेचारे घरों को अपने। अब इनकी प्लानिंग क्या है, ये 20 जनवरी तक फिर खेलना चाह रहे हैं इस इशू को, आज 30 हो गए, 20 दिन रह गए हैं, 20 दिन ये कहते हैं कमेटी मीटिंग आएगी, कमेटी बैठेगी, रिपोर्ट आएगी, और 22 तारीख को आएंगे प्रधानमंत्री मोदी डबल इंजन के हेड अयोध्या में, उन्होंने ऐलान कर दिया आज अयोध्या ना आए लोग, घरों में दिवाली मना, पहला मौका मिल गया, स्वर्ण जयंती मनाए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के उन किसानों से कहेंगे तुम दीवे जलाओ जिनकी जेब से ये 7000 को निकाले जा रहे हैं 2 साल के अंदर, उनकी जेब से ही है। अब फिर क्या होगा, फिर 20 के बाद चलेगा राम मंदिर, और मीडिया क्या कहेगा भारत का, इनके इनके भक्त कहेंगे वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये कैसेट बजाएगा पूरे देश के अंदर, और गन्ने बनने का सब चैप्टर खत्म, सबके आमदनी दूर हो जाएगी। अब तो ये खेल कर रहे हैं बहुत बड़ा, इसको समझने लोग, इसलिए हमने तय किया है, हमने योगी आदित्यनाथ जी आए थे उन्हें ज्ञापन भिजवा दिया था उस दिन, वर्ष ज्ञापन मिल गया था, हमने कहा है अगर एक और चला जा रहा, इनके वक्त गांव कह रहे हैं कि 1 जनवरी को तोहफा दिया जाएगा, नए साल में मिलेगा तोहफा गन्ने का, हमने जो नया साल भी आ गया, कल नया साल है तो 1 तारीख कल आ रही है, अब कल नया साल तोहफा मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, और 3 तारीख हमने तय किया है, 3 तारीख को जो गन्ना बेल्ट है मेरठ से लेकर इलाहाबाद तक, हम उस गन्ना बेल्ट में सड़क जाम करेंगे, हमने बता दिया है अब फायदा सड़कों पर होगा, पूरी गन्ना बेल्ट में सड़क जाम होंगी और 1 घंटे कम से कम रोड जाम करेंगे पूरा, और आगे आगे नहीं आगे चला गया कब तक चलता रहो, तो हमने कह दिया सड़कें जाम होंगी, रेलों पर बैठेंगे हम जाके, अब तय कर लिया यूपी किसानों ने, अगर अब इन्होंने मजाक करा हमारे साथ तो अब जंग सड़कों पर होगी। राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब देश की विधानसभा और पार्लियामेंट सूनी हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए, हम सरकार से कहना चाहते हैं संसद बहरी हो चुकी है, असेंबली बहरी हो चुकी है, इसलिए अब जंग सड़कों पर होगी, 3 तारीख के बाद हम लोग उतरेंगे और सड़कों पर जंग होगी हमारी। चौधरी साहब, काठ की हांडी तीसरी बार नहीं चढ़ेगी, ये कैसे हम मान लें जब पूरे देश के किसान नौजवान सब इस समय राममय हो गए हैं, आप आंदोलन करोगे 3 तारीख को, आपको रामद्रोही कह दिया जाएगा, आपकी बात सुनने के बजाय आप पे आरोप लगा दिए जाएंगे, कैसे मोदी जी से निपट पाएंगे इस देश के किसान, निरीह है, मैं तो आज की तारीख में कहता हूँ कि किसान निरीह हो चुका है, बेचारा हो चुका है, जो इस देश की रीढ़ थी वो बेचारा हो चुका है। चौधरी साहब, कैसे बेचारा लड़ेगा उस ताकतवर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता से? अभी तक
अभी तक अगर मोदियों को लड़ा है इस देश में तो किसान ही लड़े हैं। रेल बिकी, अगर रेल के लड़ते तो शायद उससे एयरपोर्ट नहीं बिकते, एयरपोर्ट वाले लड़ते तो और कोई धंधा नहीं बिकता। तो रेल बिकी, कंपनी बिकी, एयरपोर्ट बिके, हवाई अड्डे, सब कुछ बिका, कोई बोला नहीं ना। और जब डायल किसान को मिलाया मोदी ने नंबर, तब उल्टा पड़ा। तो इन मोदी से दोनों बार किसान ही लड़े हैं, ठीक है, और अब भी किसान ही लड़ेंगे, क्योंकि किसानों के पास ऐसा कोई धंधा नहीं है कि इनकी ईडी जाकर छापा मार देगी। आप समझ रहे हो, वहां छापे कुछ है नहीं ईडी के पास। इसलिए मैं आज कह रहा हूं आपसे, जब भी कोई तरसा हुआ दुनिया में, जनता ही लड़ी है, नेता कोई लड़ पाता। और आज स्थिति यह है कि जो सबसे बड़ा चौथा स्तंभ मीडिया वाला, वो मोदी जी का अंडर बात चुका है। आज आप देखो ना मीडिया का रोल, कि आप कुछ भी कहे जाए, वो कुछ भी कहे उसको जस्टिफाई करते हैं वो। और आज भी लोग मीडिया से प्रभावित होते हैं, प्रचार से प्रभावित होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, हमारे आप जो आपके हमारी उम्र में बच्चे खेलते थे क्रिकेट, गांव में वॉलीबॉल खेलते थे, हम कबड्डी खेलते थे, लेकिन एक कॉमर्शियल गेम आया क्रिकेट का, बच्चा पैदा होते गेंद पकड़ता है, बल्ला पकड़ता है, क्योंकि पूरे दिन मीडिया उसको दिखाता है क्रिकेट, छक्का काम मारा, पूरी कबड्डी, हो गया गेम खत्म। तो ये जो मीडिया का रोल मोदी के साथ है, मैं पहले भी कहा था एक बार, एक सप्ताह भारत का मीडिया इस देश के लिए ईमानदारी से दिखा दे कि इन 9 सालों में जहां 55 लाख करोड़ का लोन था 14 तक, जिनमें 15-16 प्राइम मिनिस्टर रहे, और 9 साल में 155 लाख करोड़ कैसे हुआ, किसने लिया, मोदी लिया। चौधरी साहब मैं और अपडेट कर दूं आंकड़ा, 205 लाख करोड़ हो गया है, IMF का आंकड़ा आया है, IMF 205 लाख करोड़, 205 लाख करोड़ हो गया। अब भारत का मीडिया अगर दिखा दे कि 205 लाख करोड़ रुपया मोदी ने लोन किया है, कर्जा किया है 150 करोड़ आसपास, तो पता पड़ जाएगा। और जब लॉकडाउन हुआ था और मजदूर जा रहे थे सड़क पर 1000 किलोमीटर चल के, आपको सीन नहीं देखा होगा आपने उसका, एक मजदूर था वो 500 किलोमीटर चल के आया, उसके कंधे पर बच्चा था एक, और बीवी के पास एक लड़की थी, एक कंधे पर एक में झोला था, और वो 500 किलोमीटर चले आए वो। जब आकर पुलिस ने रोका उन्हें, तो पुलिस ने रोका, उसने उठाकर लड़के को जमीन पर रखा, तो पुलिस वालों की आंखें खुली रह गई, वो लड़का मर चुका था बच्चा उसका। वो 100 किलोमीटर मरे बच्चे को कंधे पर लाद कर लाया, ये देश ने देखा, पूरे भारत ने देखा, हमने देखा। और मोदी के पास केयर फंड के नाम पे 1000 करोड़ जमा था, राजस्थान के मोदी के सांसद ने चिट्ठी लिखी थी कि मोदी जी ये तमाम देश के मजदूर बेचारे 1000 करोड़ पैदल जा रहे हैं, किसी की बेटी खींच के ले जा रही है बाप को अपने, आप केयर फंड से पैसा दे दो, करा लो। लेकिन ये मोदी थे जो विदेश में लोग थे, वो हवाई जहाज ला रहे थे, और जो गांव के लोग थे बेचारे, उनको बना दिया इन्होंने पैरासाइट, और वो बेचारे पैदा आ रहे थे। तो ये कहानी मोदी की दिखाया ना कोई, लॉकडाउन हुआ कितनी लहसा भरी थी गंगा में, गंगा में लहसा भरी थी हिंदुओं की, उनके तमाम कपड़े उतार के लेके लगे हुए, दिखाया ना मीडिया उसको। तो मोदी जिस तरह लाइनें लगवाई बैंकों पे, खाते खुलवाए जनधन योजना के, एक पैसा नहीं आया, और उल्टा 8000 करोड़ पर खातों में डलवा दिया 500 रुपए के हिसाब से, किसानों के 22000 करोड़ रुपए निकालिए बीमा के नाम पर, बीमा कराओ फसल बीमा के नाम पर, एक पैसा नहीं मिला आज तक, बीमा कंपनियों को दे दिया, 1,90,000 करोड़ निकाल लिया रिजर्व बैंक से मोदी ने, और 30-32 लाख करोड़ रुपए करीब पेट्रोल डीजल पे सब उसमें निकाल दिया जेब से पब्लिक की। तो मोदी ने आके निकाला ही तो है, तो दिया थोड़ी है, और सबका निकाल के बैंकों में ले गए, और बैंकों की रिपोर्ट क्या है, 1,90,000 करोड़ रुपए गुजरात के, मोस्टली गुजरात के उद्योगपति जो उनके दोस्त हैं, उन्हें के विदेश में बैठे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, ये अभी जो इनके सौरभ जी हैं, जो इनके वो है, क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट केस लड़ते हैं, उनकी लड़की की शादी में कौन था, ललित मोदी था, जो ललित मोदी केस लड़ रहे हैं, देखिए आप जो व्यक्ति ललित मोदी केस लड़ रहा है माने के विदेश लाने, भारत लाने के लिए, वो उसकी शादी में लड़की, उसकी खुद की शादी में वो दूसरी शादी करी उन्होंने, तो ये बात दिखाता है मीडिया, मीडिया दिखाए तो देश के लोग मालूम पड़े।
तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की स्थिति हो गई है, इनसे किसान ही लड़ेंगे, गरीबी लड़ेगा और लड़ेंगे। आप बेफिक्र हो, आप लड़ाई होगी, हर चीज अंत होता है। आप जैसे लोग दिखा रहे हैं और आपकी वजह से और बाकी यूट्यूब चैनल चल रहे भारत में, उनकी वजह से तो हो रहा है। और अब इनकी प्लानिंग ये भी है, हो सकता है मोदी 24 से पहले यूट्यूबर पर भी मुकदमा लाना शुरू कर दे। पढ़े लिखे लोगों को वोट दे दो और वो निकाल दे स्कूल से बाहर, किसे कहा जा रहे यार। तो ये हालात जिस देश के आ गए हो यहाँ, आप क्या करोगे? तो ये तो अब इनकी प्लानिंग ये है उत्तर प्रदेश को कैद हब बनाया जाए और ये बनाए जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान यूपी किसान है। आप जाकर देखो एक एक खेत में 30-30 सौंड गाय खुले खेत खा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जबकि मोदी ने कहा था जी ठोकर कि हम दुनिया में पिंक रिवोल्यूशन ला रहे हैं, पिंक रिवोल्यूशन ला रहे हैं दुनिया में, हम भारत ला रहा है रिवोल्यूशन और भारत बीफ के निर्यात नंबर वन होगा। और आज हो गया, आज भारत का नंबर ब्राजील के बाद, ब्राजील ने छेक दिया, भारत दुनिया में बीफ के निर्यात में पहला नंबर है। आप समझ लो कहां जा रहा है ये, कहां जा रहा है ये, जा रहा है गोवा से, मणिपुर से, सिक्किम से, तेलंगाना से, आंध्र से, असम से, कोई पाबंदी नहीं है, मैं इनकी सरकार है और यह पाबंदी ला रखी है। अब कौन ले आ रहा है बीफ? देखिए आप सबसे बड़ा बीफ एक्सपर्ट कौन है, इसका कंपनी का नाम क्या, देखिए आप ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी कंपनी है बीफ निर्यात की गाय के, उसका बूचड़ खाना आंध्र प्रदेश में मेडक जिले में, सॉरी तेलंगाना में आ गया वो, और मुद्रब गांव में है, करीब हजारों एकड़ में है वो। उसका नाम क्या है? अल कबीर। अल कबीर नाम मुस्लिम, ताकि भारत के लोग समझे कि अल कबीर बीट का निर्यात कर रही है। नाम अल कबीर, मालिक कौन है? शब्बरवाल, शब्बरवाल मालिक कट्टर हिंदू। कंपनी का नाम अल नूर, मालिक सुनील हिंदू। कंपनी का नाम अल दुआ, डायरेक्टर संदीप सोम। 10 रजिस्टर्ड कंपनी है भारत के अंदर और 10 की 10 रजिस्टर्ड कंपनियों के मालिक हिंदू है। और खुलेआम जाकर हिंदुस्तान से गाय के मीट को बेच रहे हैं अरब कंट्री में, यूरो में बेच रहे हैं, कोई नहीं दिखा रहेगा। इंदिरा गांधी ने 89 में जो पाबंदी लगाई थी बीफ पर, आप समझ लो चरी गाय की चरी पर, वो खोल दिया ना, तो गाय की चरी का भी हो रहा निर्यात हो रहा। तो अब ये बात कौन दिखाएगा बताओ मुझे? 2022 की आमदनी दूनी बात कर रहे हैं, हमारे गेहूं की फसल आ रही है अप्रैल में, रशिया से अब तक गेहूं पे 40% आयात था, 40% कड़क बंद कर दिया। 10 लाख मीटर वो खरीदने जा रहे गेहूं, हमारा गेहूं आएगा और बाकी गेहूं यहाँ आएगा, गेहूं सड़क पर टूटेगा। टमाटर इसी तरह इन्होंने सेब कम मंगा लिया, कोई फसल नहीं छोड़ी, सेब केला अंगूर गन्ना आपका गेहूं। जब गेहूं जब हमारे धान आए थे एकदम चावल का रेट बहुत महंगा था, बंदरगाह पे चावल पड़ा, पाबंदी लगा दी, निर्यात बंद कर दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं मोदी जी एक ऐसा नाम है भारत का जो इस देश में सबसे बड़ा किसान विरोधी व्यक्तित्व है उनका, उन्हें किसानों से एलर्जी है और वो इंडिया किसान मानना चाहते हैं। कितने एग्जाम्पल दू आप बताओ मैं आपको, कोई फसल देख लो आप कहीं भी सब बर्बाद हो गई, किसान पर कुछ है नहीं बचा। और नए नए कानून ला रहे हैं, पत्ती जलाओगे आप खेत में अपने, 1 करोड़ का जुर्माना होगा आप पे, 4 साल की होगी। ये भी लागू रहेगा, खाद लेने जाओ कट्टा एक आप यूरिया का, जमीन कागज लेने पड़ेंगे आपको अपने, कागज दिखाओ। इधर इन्होंने तो पूरा सिस्टम बदल दिया और सब कुछ मीडिया चला रहा है, ये दिखाता ही नहीं ना, दिक्कत है। लेकिन चौधरी साहब आप 3 तारीख को आप लोगों का प्रदर्शन पूरे गन्ना बेल्ट में होगा और ये तो हमें भी पता है कि इस समय अखंड कवरेज चल रही है, दर्शक भी देख रहे हैं, अखंड कवरेज अयोध्या की चल रही है, किसानों की गन्ना किसानों की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन न्यूज लॉन्चर आज भी कल भी हो सकता है, कल परसों 1 तारीख 2 तारीख को भी अगर अलग अलग क्षेत्रों से हमारे गन्ना संगठन के लीडर्स जुड़ेंगे तो हो सकता है हम कल परसों भी बैठें, और 3 तारीख को जब ये आंदोलन होगा तो न्यूज लॉन्चर इसकी कवरेज करेगा। उस दरमियान चौधरी हरपाल सिंह जी को
अन्य किसान नेताओं को, राजेंद्र यादव जी को, अन्य अलग अलग क्षेत्रों से क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। हम जो इस देश की आत्मा है, किसान की आवाज है, उसको हम दिखाएंगे। अखंड कवरेज करने के लिए गोद में बैठी मीडिया तो लगी ही है, लेकिन आशीष जी, किसानों की आवाज। जी आशीष जी, एक बात देखो, आप जी बढ़ रही है, मैं बैठा हूँ, सुन हो रहा सुन, और ऐसी सर्दी में गन्ना जो लेके गए किसान फैक्ट्री पर, पूरी रात किसान सर्दी में रहेंगे, पूरी रात, और ऐसी मेहनत की कमाई जिसका भाव नहीं पता क्या होगा, जिसके भुगतान नहीं बिल्कुल क्या होगा। अब इतनी कमाई जो हमारी है उसको ये सरकार लूट रही है, और फिर ये कह रही है रामराज घंटी बजाओ। मैं आखिरी बात समाप्त करूंगा, मैंने एक पढ़ा था कहीं कि जब अंग्रेज गए थे भारत से, तो अंग्रेजों ने कहा था कि हमने इतने दिन राज करा, 2.5 साल करीब भारत में, तो हमने देखा कि भारत के लोग भेड़ों की तरह हाके जाते हैं, अपनी को सोचते ही है उनकी, तो वो तो कहकर गए थे, मोदी करके दिखा दिया। मोदी जी ने लॉकडाउन में जब ये बोला कि बजाओ थाली और बल्ब बुझाओ, मोमबत्ती जलाओ, आप देखिए, और बता दिया दुनिया को कि तुम तो कहते थे मैंने करके दिखा दिया है ये। अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति ताली बजा रहा है, थाली इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े बुद्धिजीवी गैलरी बजा के टॉर्च जला रहे हैं, तो मोदी ने साबित कर दिया दुनिया में कि ये भेड़ हम हैं, और मैं जल्द हकों में हक जाएंगे। अब समझ रहे बात, तो ये तो साबित कर दिया, अब क्या करोगे। आज सबसे बड़ा मैं बता दूं आपसे, आखिरी बात समाप्त कर रहा हूं अपनी, मैंने किताब पढ़ी थी, यूरोप में एक टीचर क्लास में आए और उसने एक अलग एग्जाम दिया बच्चों का, उसने कहा भाई मैंने आज छुट्टी कर दी, मेरे पैर में चूहा घुस गया। अब बच्चों को इतनी खुशी हुई, झूला के भाग लिए कि पैर में चूहा घुस गया मास्टर साहब के। अब एक लड़का बैठा रह गया मेज पे, सर रख के ऐसा करके हाथ धर के, वो आया वॉचमैन, आया सफाई करने वाला, बोले तुम कैसे बैठे हो। बोले मैं इसलिए बैठा हूँ, गुरुजी ने कहा कि मेरे पैर में चूहा घुस गया, लेकिन मुझे नहीं पता चूहा कहाँ घुसा, कैसे घुसा, वो सही जा रहे थे जूते पहन रखे थे, मेरी बात करा, मैं सत्य चाहता हूँ। वो क्लासरूम में गया, टीचर को बुला के लाया, बोले गुरुजी, बोले बेटे तू कैसे बैठा, कि गुरुजी मैं इसलिए बैठा हूँ जो आपने कहा था कि मेरे पैर चूहा घुस गया, आपके दोनों पैर सही है, आप जूते पहन रखे हैं, कहाँ घुसा चूहा, कैसे घुसा बताओ। बोले नहीं घुसा बेटे। बोले फिर आपने झूठ क्यों बोला। उस लड़के ने कहा मेरी माँ ने भेजा है मुझे स्कूल, मेरी माँ कहती झूठ बोलो, और आप मेरे स्कूल के टीचर हो और मेरे भगवान हो, आप शिक्षा देते हो, आपने झूठ क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला, मुझे बताओ आप, मैं क्या सीखना चाहता हूँ बताओ आप। तो टीचर ने कहा था बेटे मैंने इम्तिहान लिया था और मेरे पढ़ाए बच्चे इंजीनियर भी हैं, आज डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, अफसर भी हैं, IPS भी हैं, लेकिन तू पहला बच्चा है आज जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तेने सवाल किया मुझसे। बेटे शिक्षा का मतलब सवाल करो आज, और इस सरकार ने सवाल ही बंद कर दिया आज, आप समझ लो बात, शिक्षा का मतलब है सवाल करो। उन्हें तू पढ़ाया आज मुझे खुशी है, मैं किताब लिखूंगा कि मेरे 30 साल जीवन में एक बच्चा मिले पढ़ने वाला, और आज तो कोई सवाल नहीं करता, और इस सरकार ने तो आके जो सवाल करने वाले कुछ लोग थे उनके ऊपर भी हथौड़ा मार दिया, कुछ सवाल ही ना करे। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर इन 9 साल में आज तक भारत के मीडिया के सवालों का सामने नहीं किया, आज तक सामने नहीं किया, आज तक सवाल कौन करेगा, अब क्या करोगे आप बताओ मुझे। आप तो इस देश की एजुकेशन को खत्म कर दिया, क्वेश्चन मत करो और भेड़ बन जाओ सब। भेड़ कैसा जानवर है, उसका हाँकने वाला आगे चलता है और पीछे चलती है, जाने आगे चली जाती है। ये हालत मोदी बनाना चाहते भारत को, इस पूरे देश के नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को भेड़ ग्रुप में परिवर्तित कर चुके हैं ये। प्रबल भाई, 3 तारीख की तैयारी किसानों ने कर ली, कांग्रेस क्या किसानों के इस मुद्दे पर मुखर होकर के किसानों के साथ खड़ी होगी? क्योंकि मैं विपक्ष को देख रहा हूँ एक जगह पे, मैं विपक्ष पर कई बार सवाल खड़े करता हूँ, विपक्ष के लोग भी नाराज हो जाते हैं कि ये भाई सबको, किसी को नहीं छोड़ रहे। ये ट्विटर की राजनीति से बाहर निकल करके चौधरी हरपाल सिंह जी के साथ, राजेंद्र यादव जी के साथ,
तमाम जो बड़े नेता हैं किसानों की के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं विपक्ष के लोग खड़े होते? व्यक्तिगत रूप से तो मैं आपको देखता हूं तमाम जगहों पे, जंतर मंतर से लेकर जहां जाना होता है आप खड़े नजर आते हो, लेकिन मैं कहता हूं पार्टी के बड़े लीडर्स को क्या आएंगे किसानों के साथ? ये बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, आप इस प्रदेश के उस हिस्से से आते हैं जहां से मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी के आचार विचार व्यवहार वादा जुमला सबको आप बड़े अच्छे से देख रहे हैं जान रहे हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस के लोग प्रबल शाही जैसे ही आकर के कंधे से कंधा मिला करके चौधरी हरपाल सिंह जी के साथ, राजेंद्र यादव जी के साथ खड़े होकर के किसानों के लिए बिल्कुल आर पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ने के लिए तैयार? या है तो क्या प्लानिंग है? इस विषय पे मैं आपसे बता दूं कि मेरी मुलाकात हुई थी जो नवनियुक्त प्रभारी है उत्तर प्रदेश के और महासचिव है कांग्रेस पार्टी के श्री अविनाश पांडे जी से, अविनाश जी हाँ, चर्चा हुई थी अभी अभी कुछ देर पहले, 2-3 दिन पहले मैंने इस विषय पे 3 तारीख के बीच में अभी कराया था। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि समय मिलते ही, जैसे ही हरपाल जी समय देंगे या राजेंद्र जी समय देंगे या ऑल इंडिया किसान सभा के हैं, अभी जयप्रकाश जी से भी बात नहीं हो पा रही है, जयप्रकाश जी भी आएंगे ऑल इंडिया किसान, और भी सारे किसान हैं अपने अखिल संघर्षी हैं, ये सारे लोग जो है लोगों से जैसे ही समय मिलेगा हम लोग एक बातचीत डेलीगेशन के थ्रू जाकर बातचीत करेंगे। ये तो पहली बात मैं आपको बता। दूसरी चीज, जहां तक गन्ना किसानों का मुद्दा है, गन्ना किसानों का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात की, योगी आदित्यनाथ ने भी ये वादे को कहा था कि हम पूर्ण कर देंगे, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ जब मुद्दा आता है गन्ना किसानों के दाम को बढ़ाने का, तो 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा बढ़ा है उत्तर प्रदेश का प्रति क्विंटल, ये सोचिए 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा प्रति क्विंटल बढ़ता है, और अगर अडानी की बात हो तो उसको लाखों करोड़ रुपए की जमीन आराम से पौड़ियों के दाम दे दी जाती है, तो गन्ना किसानों की पेराई शुरू हो गई 1 महीने से ऊपर, 1.5 महीना 2 महीना होने जा रहा, उसके बावजूद गन्ना का दाम नहीं पड़ा। पहला है, मतलब आप आइटम दीजिए कोई चीज, मतलब आप कोई कोई दुकानदार के अडानी मुझे कोई सामान देगा बिना बिना रेट के? ये पहला गन्ना ही किसानी है जो अपना गन्ना गिरा रहा है चीनी मिल पर, लेकिन उस पर रेट दर्ज नहीं, इसीलिए चौधरी हरपाल जी से भी बात हुई थी। मैं तो आपको पता ही है मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ, मेरा मुख्य जो मेरा स्ट्रेंथ है वो किसान आंदोलन ही, तमाम किसान नेताओं से मेरी लगातार बातचीत है, 8-9 संगठन मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है जो मेरी बातचीत है, 8-9 संगठन किसान आंदोलन करने जा रहे हैं 3 तारीख को, कुछ जगहों पर चक्का जाम होगा, कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन होगा, कुछ जगहों पर ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। इस गूंगी बहरी सरकार को याद दिलाया जाएगा कि भाई तुमने जो गन्ना किसानों के साथ जो तुमने गड़बड़ी की वो, अब एक और चीज देखिए, एथेनॉल पर हुआ था कि चीनी मिल एथेनॉल बेचेगी, उसमें से भी मुद्दा हमने जब मैं संयुक्त किसान मोर्चा में रहा हूँ, अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा के दौरान जब मैं था, तो हम लोग ने एसकेएम यूपी में एक मांग पत्र भेज दिया था, राजेंद्र यादव जी ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव उत्तर प्रदेश, ये जानते भी है, पूर्व विधायक भी है, ये भी रहे उस दौरान, हरपाल जी भी रहे, हम लोगों ने मांग की थी कि जो बगास है, जो एथेनॉल है, जो ये बेचा जा रहा है, उसका भी उसमें भी जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो किसानों को दिया जाए, उसमें स्टेक होल्डर किसान भी। आपको मालूम है कि गन्ना का जो गन्ना जब तुलता है तो 1 किलो गन्ना पहले ही काट लिया जाता है, मतलब घटतौली होती पहले ही 1 किलो, किस नाम पर? 1 किलो गन्ना मतलब ऐसे ही निकाल लिया जाता है, जो जो उसकी खर पतवार जो होती पत्ते होते हैं, पत्ते के नाम पर, पत्ते काटने के नाम पर 1 किलो तो ऐसे ही निकाल लिया जाता है, मतलब अगर 1 क्विंटल गन्ना जा रहा तो 1 किलो निकल गया, तो सोचिए कितना गन्ना उनको मिल जाता है, चीनी मिलों को इसके नाम पर कितना एक्स्ट्रा गन्ना मिल रहा है, उसका कोई गणना नहीं है। तो जो चौधरी हरपाल सिंह जी ने कहा कि 3400 करोड़ रुपया पर साल किसानों के साथ लूट हो रही है मात्र गन्ना में, और ये सहारनपुर से लगा कर और कुशीनगर तक पूरा बेल्ट के ऊपर जो तराई बेल्ट है वो, उसके बाद मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, आपके इधर बदायूं, और उसके बाद जो है आपका एटा में कासगंज, यहाँ तक गन्ना की मथुरा चीनी मिल यहाँ चलती है, गन्ना किसान परेशान है, और गन्ना हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उत्तर प्रदेश एटीएम है समझ लीजिए, उसी के नाम पर वो पैसा आता है तो बच्चियों की शादी होती है,
बच्चों के स्कूल के फीसें जाते हैं, माता पिताओं की दवाइयां होती, लेकिन आज गन्ना के पेमेंट्स नहीं हो रही है तो लोगों की स्थितियां बड़ी खराब हो रही है। और आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों की जमीन कैसे छीनेंगे, तो जब गन्ना का पेमेंट नहीं होगा तो 5 किलो राशन पे आ जाएगा, उसको अगर अपनी बेटी की शादी करनी हो तो जमीन बेचे, उसको अपने बेटी की पढ़ाई करानी तो जमीन बेचे, उसको अपने घर में किसी का इलाज कराना है तो जमीन बेचे, तो जमीन बिकेगी, औने पौने दामों पर यही अडानी आ जाएगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी आ गया तो किसानों की जमीन सुरक्षित नहीं होगी। पहला काम होगा भूमि अधिग्रहण कानून में उसमें संशोधन करेगा नरेंद्र मोदी, दूसरा काम करेगा संशोधन करके जो 4 गुना रेट मिलता है किसानों को, जो दिल्ली के भी किसान है, दिल्ली देहात के भी किसान, वो सोचते हैं कि 4 गुना पैसा मिलेगा, नहीं मिल पाएगा अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आ जाएगा, कब्जा कर लेगा इस पर, औने पौने दामों पर जमीन लूट ली जाएगी, तीसरा 3 काले कानून फिर वापस आएंगे, फिर जमीनों को बड़े बड़े हेक्टेयर्स, बड़े बड़े हेक्टेयर्स, हजारों हेक्टेयर्स में जमीनें अडानी को दे दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लोगों ने, किसानों ने, किसान नेताओं ने उठाया है, और हमें साधुवाद देना चाहिए इन किसान नेताओं ने। और ये किसान नेता ऐसे नहीं जो आंदोलन विक्रेता है, दो टाइप के किसान नेता, एक आंदोलन किसान विक्रेता किसान नेता है, और ये वो किसान नेता खालिस किसान नेता, ये अपने वोट को नहीं बेचते, अपने आंदोलन को नहीं बेचते। भरा पड़ा है इतिहास आंदोलन बेचने वालों का भी, वोट बेचने वाले, ये वो किसान नहीं, ये लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर गन्ना किसानों की जो बात को नहीं सुना नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे यही गन्ना किसान। आपको दिख जाएगा 3 तारीख को कैसे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जब चालू होगा, जब आपको देखेंगे रोडों पर किसान आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी किस मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, जब 3 बदमाश कुकर्मी व्यभाचारी जो बहुजन, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो एक अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर सांस्कृतिक केंद्र भी है, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में उसे कहता हूं, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, वहां भारतीय संस्कृति को चार तार तार कर दिया जाता, कौन करता तार तार, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के 3 प्रमुख पदाधिकारी, जिसकी फोटो है नरेंद्र मोदी के साथ, जिसकी फोटो है अमित शाह के साथ, जिसकी फोटो है आपके योगी आदित्यनाथ के साथ, पांडे के साथ, महेंद्र नाथ पांडे के साथ, स्वतंत्र देव सिंह के साथ, वह तीनों अपराधी एक महिला का वस्त्र हरण कर लेते, चीरहरण करते छात्रा का, वो गिरफ्तार होते हैं, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में, पहले गर्भगृह में तब जाना नरेंद्र मोदी, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा तब करना जब ये 3 जो अपराधी है इनको फांसी की सजा तुम दिला पाओ फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अगर नहीं करा पाते हो तुम्हें गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि गर्भगृह में वही जा सकता है हिंदू परंपरा के अनुसार, मेरे साथ इस समय बैठा हूं तो यहाँ पंचायत भी बैठी हुई है मेरे साथ, कोई भी अनुष्ठान हिंदू धर्म के अंदर होता है तो उसमें पत्नी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, अगर पत्नी होती है तो पत्नी को बैठाया जाता है। और राम जी ने एक बार यज्ञ किया था, आपको याद होगा, जब सीता माता जंगल चली गई थी, वनवास जब वन में चली गई थी, तो वहां पर माता सीता की मूर्ति रखी गई थी, तब राम जी ने उस अनुष्ठान को पूरा किया था, धार्मिक अनुष्ठान को पूरा किया था। तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे, किस आधार पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, मैं सवाल उठाता हूं। और मैं एक और सवाल उठाता हूं, एक मैंने चित्र देखा था जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर बड़ी है, राम जी की तस्वीर छोटी है, राम जी छोटे हैं, क्या नरेंद्र मोदी इतने अहंकारी होंगे, रावण की इतने अहंकारी हो राम जी को छोटा समझते हैं, और मैं क्षत्रिय कुल का भी हूं, तो क्षत्रिय कुल का भी अपमान है, प्रजाता पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय कुल के भी थे, क्षत्रियों का करोड़ों करोड़ राम भक्तों क्षत्रियों का अपमान अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है, मैं कहता हूं माफी मांगो तब जाना। और मैं उन्हां के साधु संतों से, अयोध्या के साधु संतों से जो राम राम धुनि पर रोज रमाते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम इस तस्वीर को मानते हो, क्या राम से बड़े हैं नरेंद्र मोदी, क्या भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़े हैं नरेंद्र मोदी, उनका अहंकार रावण की तरह है, और जिसका अहंकार रावण की तरह होता है उसका संहार राम करते हैं, उसका संहार विष्णु अवतारी राम करते हैं, ये बात मैं कहता हूं। और ये किसान को आप समझ लीजिए, ये राम के विष्णु अवतारी राम के सेना है, ये बानर सेना है, ये उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी की सत्ता को। तो मुझे प्रबल जी, इस 3 तारीख की जो प्लानिंग है, योजना है किसान संगठनों की पूरे गन्ना बेल्ट में, जिस दौर में सारी गोदी मीडिया अखंड
कवरेज कर रही है अयोध्या की, उस दौर में इस आंदोलन की तरफ कैसे सरकार का ध्यान जाएगा? कोई दिखाएगा नहीं, कोई छापेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, तो फिर ध्यान कैसे जाएगा? न्यूज लॉन्चर दिखाएगा ना, न्यूज लॉन्चर से भी लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। नहीं नहीं न्यूज लॉन्चर तो अगर न्यूज मौके पर लॉन्चर रहेगा। दिखाएगा, सुन लीजिए, अरे न्यूज लॉन्चर जब दिखाएगा तो सबको दिखाना पड़ेगा, और जब सड़कें गर्म होती हैं ना तो अपने आप खबर बनती है। और एक चीज सुन चलिए। लीजिए, बहुजन समाज पार्टी हाँ जब काशी राम जी आंदोलन करते थे तो उनको मीडिया दिखाती हाँ नहीं, लेकिन सत्ता परिवर्तित करती। तमाम बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, ना दिखाए, हम तो कहते हैं ना दिखाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जमीन पर लड़ने वाले लोग। मैं अभी भी दिल्ली दिल्ली देहात से एक आंदोलन से आ रहा हूँ, मैं इस समय जो है आपके हरियाणा बॉर्डर पर बैठा हूँ, या ट्रांसमिशन के नाम पर भूमिगत ट्रांसमिशन के सर्वे की बात कर रहे हैं, बैठे हुए 28 नवंबर से 4100 करोड़ रुपया उनका मुआवजा बाकी है, उसकी मांग कर रहे हैं, उनके बिजली संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मांग कर रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए। SC ST के जो लोग यहाँ पर हैं उनको उनको भूमि अधिकार दिया जाए। और खुद ही मैं जब बैठा हुआ था तो ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं बह रही थी, और सैकड़ों किसान बैठे हुए थे, माताएं बहनें बैठी हुई थी, और वह एकदम बॉर्डर पर बैठे हुए, खुले में बैठे हुए, और निरंतर वो धरना चल रहा। मैं अभी एक किसान नेता के घर पर बैठा हुआ, क्योंकि आपका फोन आया, मैंने कहा नहीं मैं चलूंगा। अब आप सोचिए, जहां मैं रहता हूँ वहां से 70 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं आया और डॉक्टर उदिता जी भी आए, और हम लोग इस मुद्दे को भी उठाए, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, किसान के हक में MSP गारंटी कानून हम दिलाएंगे। और मैं आज पूरे दावे से कहता हूँ, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, पहला हमारा जो हमारा कैबिनेट बैठेगी, हम MSP गारंटी कानून देंगे, किसानों की जमीन पर कोई भी नजर गड़ा कर देखेगा गलत नजर, उस नजर को वो मैं सावधान करता हूँ, कोई उंगली अगर उठेगी किसानों की जमीन के तो उंगली को तोड़ दिया जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए प्रबल जी, अगर अगर देश की राजनीति किसानों के, मैं कहता हूँ प्रो किसान प्रो फार्मर, अगर इतनी हो जाएगी तो उस दिन इस देश को विश्व शक्ति विश्व महाशक्ति विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चलते चलते एक टिप्पणी बस लूंगा राजेंद्र यादव जी से, क्योंकि जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी। टिप्पणी इस मामले पर अभी चर्चा हुई थी, हरपाल जी ने और प्रबल जी ने दोनों लोगों ने कहा, ये देश की सरकार गुजरात में एक एनर्जी एग्रीमेंट होता है अडानी के साथ, उसमें कोयले के रेट होते हैं कि कोयले की दर अगर बढ़ती है तो उस पर बढ़ी हुई दरों पर पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट एनर्जी चार्ज के नाम पे किया जाएगा। आपको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि दर्शक अभी किसानों की बात हो रही है तो दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं उस बिल उस एग्रीमेंट के तहत बिना बिल दिए हुए ओवर बिलिंग करके या जो भी आप कहिए, अडानी साहब को 4000 करोड़ मतलब 3900 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है जिसके वो हकदार नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट। अभी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अधिकारियों को लगा, नेताओं को लगा कि गर्दन फंस जाएगी, तो एक चिट्ठी जारी हुई, ये कोई हवा हवाई बात नहीं, चिट्ठी जारी हुई कि 3900 करोड़ रुपए अडानी साहब आप वापस कर दीजिए। इस देश में बिना बिल देखे हुए बिना रेट देखे हुए 4000 करोड़ रुपए अडानी सेठ को गुजरात की भाजपा सरकार अतिरिक्त दे देती है और वापस ऐसे मांगती है जैसे गाय छूके दान दिया जाता है, वैसे अतिरिक्त पैसा मांग रही है, उस पे ब्याज नहीं मांग रही है इतने दिन का। राजेंद्र जी, किसानों को वो सरकार क्या देगी, क्या उम्मीद करे किसान जो सिर्फ अडानी सेठ को देना जानती है? भाई साहब, शुरू से अंत तक यह सरकार दो ही लोग चला, तीन ही लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, अडानी चला रहे हैं। अडानी जो कहते हैं मोदी करते हैं, मोदी जो कहते हैं अडानी करते हैं। किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है इस देश में। अगर सबसे कोई परेशान फटाहाल है तो वह किसान है। हम किसानों के बीच में काम करते हैं। जिस किसान के पास सिर्फ जमीन है, 10 एकड़ भी जमीन है,
नौकरी चाकरी धंधा बिजनेस नहीं है तो अपनी माँ की दवा नहीं करा सकता, खेती खेती के बल पर बाप की दवा नहीं करा सकता, बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं करा सकता। किसानों की दुर्गति है। यह सरकार शुरू से अंत तक ढिढोरा पिटती रही है किसानों की आमदनी दुगुना कर देंगे, दुगुना कहाँ से होगी? खेती में लगने वाली लागत जिसको टाटा बिरला अडानी अंबानी बनाते बनाते हैं उसकी कीमत पर 100 गुना बढ़ गई, 50 गुना बढ़ गई, और कृषि में पैदा होने वाले सामान का दाम 19-20 गुना ही बढ़ पाया। इसलिए हम किसान सभा के लोग लगातार मांग करते हैं कि फैक्ट्री उत्पादन और कृषि उत्पादन में सामंजस्य स्थापित किया जाए। अगर उसी रेट में किसानों के धान का रेट, गेहूं का रेट, गन्ने का रेट बढ़ता तो आज धान गेहूँ की कीमत 5,000 हो जानी चाहिए, धान की कीमत 4,500 हो जानी चाहिए। यह सरकार किसान की है ही नहीं। खोखला नारा दिया जा रहा है, किसानों को भ्रम में फैलाया जा रहा है। किसान भ्रम में आकर के 5 किलो अनाज पर वोट देकर के सरकार बना दी, लेकिन इस बार का किसान समझ चुका है कि 5 किलो अनाज सरकार देती है और डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, रिफाइन के रूप में, मसाला के रूप में हमसे अधिक पैसा ले लिया जाता है। उसको किसान अब समझ चुका है। अब कांच के नहीं चढ़ सकती है, 2 बार हो गई, 3 बार नहीं चढ़ सकती है। इस बार सत्ता में मोदी को आना नहीं है, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है उसको आना है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।